उड़ीसा। इसके नाम सुनते ही लोगों के मन में पूरी भुवनेश्वर कटक की इमेज ख्याल में आ जाता है। अरे भाई ऐसा क्यों, इन शहरों को छोड़ के और भी बहुत सारा जगह है उड़ीसा में जानने के लिए। देर इज ए डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड मयूरभंज व्हिच वाज रिसेंटली फीचर्ड इन टाइम्स मैगजीन द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023। तो आज की ये वाले वीडियो में गाइस हम लोग उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिविल पार्क नेशनल पार्क के एक कोर एरिया में जा रहे हैं एक ओन एक्सप्लोर प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। सो दिस इज वीडियो नोवेला संडे का नोकुलिन फेस पर ब्लॉग। तो गाइज आज हम है भोसपाल में, तो ये गाइज मयूरभंज के अंदर आता है, वन ऑफ द हिडन प्लेस आप कह सकते हो। एंड मैं जितना जानता हूँ कि गाइज इसके बारे में कोई भी एक ब्लॉग नहीं है यूट्यूब पे, तो पहली बार मैं गाइज आपको ये वाला प्लेस दिखा रहा हूँ। तो इसके पिछले वाले ब्लॉग में मैं मतलब एक साल हो चुका है वो वाला ब्लॉग को, मैं आया था बनियाबसा। तो बस ये जो जगह है ना वो बनियाबसा के थोड़ा सा आगे है। तो अगर गाइज आप लोग अभी तक बनियाबसा वाला ब्लॉग नहीं देखे तो गाइज जाओ जरूर, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो गाइज देखो बनियाबसा, उसके बाद आ जाओ ये वाला प्लेस को देखने के लिए, क्योंकि वो वाला प्लेस देखने के बाद ना ये वाला प्लेस आपको देखने के लिए अच्छा लगेगा। तो गाइज इसका नाम है भोसपाल। तो एक्चुअली आप लोग गाइज देखो हम यहाँ पे एक्चुअली आकर कैसे पहुँचे, तो जर्नी कैसा था, हमारा सफ़र कैसा था, राइडिंग कैसा था, एक छोटा सा मोटर ब्लॉग आप अभी देख लो। सो गाइज अभी हम निकल पड़े हैं भोसपाल के लिए, तो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं खूंटा से। बेसिकली हम खूंटा पे अभी है, खूंटा अभी मयूरभंज पे आता है। एंड वो जो जगह है ना भोसपाल वो भी मयूरभंज में आता है। मयूरभंज के जो सिमिलपाल है ना, सिमिलपाल नेशनल पार्क उसके अंडर आता है। तो चलो गाइस आज का राइड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ मैं नहीं जाऊँगा, मेरे साथ मेरे दो जूनियर जाएंगे जूनियर। एंड ये पूरा एक्सक्लूसिव ब्लॉग होने वाला है गाइस यहाँ पे। मतलब ये जो प्लेस है ना मैं आज जो दिखाने वाला हूँ आपको, वो प्लेस के ऊपर कोई भी ब्लॉग नहीं है यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब पे भोसपाल मयूरभंज सर्च भी करते हो ना तो आपको कुछ ना मिलेगा, तो मेरे वाला ब्लॉग सबसे पहले आएगा अगर आप सर्च करेंगे अभी के अभी। तो भोसपाल एक्सक्लूसिवली मेरे चैनल पर आ रहा है आप लोगों के लिए। तो भाई जिस बात पर तो गए एक लाइक बनता है वीडियो पे, तो चलो गए आप लोग इस वाला वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दो अपने 3-4 दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता चले कि मयूरभंज में ऐसा भी जगह है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बारीपोदा आना पड़ेगा, एंड बारीपोदा से सीधा खूंटा तक आना पड़ेगा। खूंटा से राइट टर्न लेके कॉलेज के सर सीधा चलना पड़ेगा आपको बनियाबसा एक गांव के तरफ। बनियाबसा पे आपको एक चेक गेट मिलेगा, वहां पे थोड़ा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा जो कि इस वाले वीडियो में हम लोगों ने दिखाया भी है, तो आप लोग ये वीडियो में देख सकते हो। सो ये है चेक गेट गाइस। तो यहाँ पे एक भाई साहब थे जो कि फॉरेस्ट गार्ड के तरफ से थे, उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन था जो हमको करना पड़ा वहाँ पे। बहुत सीधा साधा से थे, एंड आगे उन्होंने ये बोले कि भाई लेफ्ट से मत जाना, लेफ्ट जुआ को मोना को लेना, लेफ्ट जुआ को मोना को लेना ना, लेफ्ट को जुआ को ले मोना को ले। हाँ हाँ बस बस बढ़िया, मेरे से चला वो दोनों है भाई बढ़िया। तो वो जो फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से भाई साहब है ना, उन्होंने ये बताया कि लेफ्ट की तरफ मत जाना, राइट की तरफ ही जाना। एंड ये भाई रास्ता देखो, पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग वाला रूट, तो मजा लेते हैं रूट का। वाह व्हाट अ सीन मैन। ओके लोड है
तो से एरिया टा कोटा भसो पाल उटा कोथु कोटा नहीं एरिया ए एरिया टा ही ठीक हो जाए नेटवर्क आसी गने। सो जी गाइस, आपको जैसे ही पता होगा कि अभी हम लोगों ने बाइक को आगे नहीं लेके जा सके। इसका कुछ रीज़न ये था कि गाइस आगे बहुत सारा वाटर कैसिंग मिला, एंड अभी जैसे कि मैंने गाइस थोड़ा सा इंस्पेक्शन किया और मैंने क्रू मेंबर्स इंस्पेक्शन करे आगे जाके, कि हमको पता चला कि हम अपना बाइक को थोड़ा सा ले सकते हैं आगे और भी आगे ले सकते हैं। तो चलो गाइस थोड़ा सा आगे लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप देख लो कि कुछ नज़रिया अभी कैसा है, इसलिए हम डर गए यहाँ पर आके। तो कुछ नज़ारा ऐसा है, एंड प्रादोस का कहना है कि गाइस हम आगे भी जा सकते हैं बाइक को लेके। तो इतने पानी में गाइस मैं तो, मेरे अंदर जितना भी है ना स्किल, मैं सोच रहा हूँ कि गाइस बाइक आगे ले सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पानी यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो सामने की तरफ देखते हैं कितना पानी होगा। नहीं तो मेरे हिसाब से गाइस मैं बाइक को आराम से ले सकता हूँ। चलो गाइस थोड़ा सा इंस्पेक्शन करके आते हैं। तो वहाँ पर रहा अपना बाइक, देखो वहाँ रहा अपने बाइक, एंड ये देखो हमारे क्रू मेंबर्स अपने साथ ही सब कुछ आ रहे हैं। जो पहला वाला बंदा है वो आज है हमारा लोकल गाइड प्रादोस, एंड जो पीछे आ रहा है ना मेरा हेलमेट पकड़ के, वो भाई बहुत शांत बंदा है, उसके बारे में हम क्या बताएं। चलो फिर तो कुछ इस तरह से नज़रिया हैं, तो सोच रहे हैं बाइक लेके आराम से जा सकते हैं। क्या बोलते हो भाई आप लोग, आराम से हो जाएगा ना? हो जाएगा। ठीक है भाई चलो फिर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस चलो अभी लेके चलते हैं अपना गाड़ी को, अपना हाथी को। एक छोटा सा ऑफ रोडिंग बस सोच रहा हूँ कि गाइस जिसको कंप्लीट कर लेंगे हम। भाई साहब ओ माय फकिंग गुडनेस, इफ यू हैव जीरो स्किल ऑन बाइक तो ऐसे कोशिश करने से। मतलब अभी हम पूरा कोर एरिया में हैं भाई, ये सबसे पहला ब्लॉग है यूट्यूब में, वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव ब्लॉग है भाई आप लोगों के लिए। वन आवर लेटर। तो फिलहाल गाइज ये देखो मेरे पीछे है एक वाटर क्रशिंग, यही वाटर क्रशिंग को हमने आज बाइक में भी पास किया। तो गाइज मुझे ऐसा फील आ रहा था कि मैं लद्दाख कर रहा हूँ भाई। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आप कह सकते हो इसको। थोड़ा सा आगे चलते हैं। एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे ही एक प्लेस है लुलुंग में, पर जो बोनिया बसा था ना गाइस वो भी सेम टू सेम इसी जैसा ऐसे ही था, लेकिन ये थोड़ा हटके लग रहा है क्योंकि जंगल यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो घना जंगल आप कह सकते हो। एंड पहाड़ियों के बाद में क्या बताऊँ गाइस, बहुत ही शानदार लग रहे हैं। फिलहाल गाइस आज ड्यूटी था, ड्यूटी ख़त्म करके मैं यहाँ पर आ चुका। तो आप नज़ारा देखो, नज़ारा देख के तो गाइस आप दीवाने हो जाओगे इसका। जितने भी नेचर लवर हो तो आ जाओ गाइस यहाँ पर एक बार घूम के जाओ। तो प्लेस देखो
वाओ मैन, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। सीरियसली गाइस जी, ये सुमीरपाल बायोडाइवर्सिटी का वन ऑफ द कोर एरिया है, तो इसका नेम था भोसपाल। तो गाइस आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लग रहा है अभी तक, तो नीचे कमेंट करके बताना होगा। और एक बात गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखो अपने चैनल के साथ। अगर नया है तो चैनल पे गाइस जरूर सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि गाइस मैं ऐसे ही कॉन्टेंट आपके लिए हर दिन हर बार मेरा कोशिश ऐसे ही कॉन्टेंट लाने के लिए आप लोगों के लिए होता है। तो गाइस बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया। तो फिलहाल यहाँ पे बारिश आने का चांसेस थे, बट क्या बता सकते हैं आपको गाइस, पीछे का शोर शायद आपको बहुत तेज़ी से सुनाई दे रहा होगा। वाटरफॉल का आवाज़ है गाइस, मीठा आवाज़ कह सकते, स्वीट सा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। वाह क्या नज़ारा। सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। एंड देखो आज हम तीन लोग बने आए थे, ये बेसिकली मेरे जूनियर्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी दोनों आए हैं ना, बस लोकल गाइड की तरह आए थे। ये बारी पता से था, ये लोकल बॉय था हमारे पास, तो बस एंजॉय काफ़ी ज़्यादा हुआ आज। एक नया प्लेस को हम लोगों ने आज एक्सप्लोर किए, बढ़िया बसा का थोड़ा सा आगे आने के बाद ये पड़ता है भोसपाल था, खूंटा से कितना किलोमीटर हो जाएगा, 17-18 किलोमीटर होगा। बस आप आओ एक बार एंजॉय करके जाओ, बस यहाँ पे आकर फिस्ट मत करना, अगर फिस्ट करते हो तो जितना भी कचरा आप अपने साथ में लेके जाना, यहाँ पे मत फैलाया करो। क्योंकि गाइस मैंने थोड़ा सा नोटिस किया, पीछे बहुत सारे बियर्स के बॉटल हैं एंड क्या बोलते हैं वाइन्स के भी बॉटल हैं। आज के ये वाले ब्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं कई और एक दिन फ्रेश वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए वेरी गुड बाय।